समुद्री तूफान का रुख कराची की तरफ अगले 24 घंटे अहम। 40 फीट तक बुलंद लहरें, 220 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाएं। तूफान का कराची से फासला कम होते होते 500 किलोमीटर रह गया। बाइपर जॉय की पाकिस्तानी साहली इलाके की तरफ पेशकदमी में तेजी। 15 जून को केठी बंदर के करीब से गुजरने का इम्कान। तूफान शिमाल की जानिब बढ़ रहा है। 14 जून तक रुख शिमाल मशरिक की तरफ हो सकता है। पाकिस्तान के साहली इलाकों से हजारों लोगों की नकल मकानी। तूफान के पेश नज़र गवादर में भी एमरजेंसी नाफिज। समुंदर बिफर गया। मकरान की समुंदरी हदूद में तुगयानी और माड़ा में समुंदरी पानी आबादियों में दाखिल। माही गीरों की अमलाक को शदीद नुकसान का खदशा। बदीन के साहली इलाकों में दफा 144 नाफिज। गडानी के साहिल पर तूफान से बेखबर शहरी नहाते रहे। ठट्ठा में भी खतरे के बावजूद एमरजेंसी सिर्फ बयानात तक महदूद। नाकिस हिफाजती इंतजामात पर आवाम परेशान। कराची में सी व्यू जाने वाले तमाम रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तूफान से निमटने की तैयारियों पर सिंध हुकूमत की तारीफ। इंशाल्लाह मुमकिना तूफान से पैदा सूरत हाल पर काबू पा लेंगे, वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध को फोन। समुंदरी तूफान के हवाले से इकदामात पर गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। आई ऑफ द स्टॉर्म की पाकिस्तान और भारत पर नज़र। समुंदरी तूफान बाइपर जॉय का 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ सफर जारी। तूफानी कोन की चौड़ाई भारतीय शहर अहमदाबाद से कराची तक है। माहिरीन के मुताबिक 67% इम्कान है कि तूफान का मरकज इस कोन के अंदर ही रहेगा। समुंदरी तूफान का क्या रुख होगा, कौन कौन सा शहर तूफान के निशाने पर है, इस हवाले से खसूसी रिपोर्ट शामिल हैं इसी बुलेटिन में। समुद्री तूफान से लहरों की ऊंचाई 8 से 12 फीट हो सकती है। ठट्ठा से समुद्री तूफान का फासला कम है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं तूफानी बारिशें 3 से 4 रोज तक जारी रहेंगी। 14 जून को गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, डंडो मोहम्मद खान और दीगर इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी। तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। तूफान से सिंध में 60,000 अफराद और 51 गांव मुतासिर होने का खदशा। तूफान का रुख शिमाल मगरिब की तरफ हुआ तो कराची मुतासिर हो सकता है। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 14 जून से तामीराती काम बंद करने का कह दिया है। कराची से बिल बोर्ड हटाए जा रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक तूफान से आधे घंटे में तकरीबन 2.5 इंच तक बारिश होगी। सजावल से तकरीबन 60,000 लोगों की नकल मकानी कराना होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध का सजावल, ठट्ठा, बदीन का फजाई जायजा। समुद्री तूफान से हिफाजती इकदामात के लिए पाक फौज के जवान तायुनात। साहिली इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल की गई हैं। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों से मजमूई तौर पर 90,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाना है। पाक फौज के जवानों की तायुनाती का फैसला वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। पाक आर्मी के जवान मुमकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। समुद्री तूफान के पेश नज़र पंजाब में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। कल से बालाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी बारिशों की तवक्को। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज्यालाबारी भी हो सकती है। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। PDMA की पंजाब के तमाम इदारों और ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में 600 से ज़ायद इमारतें मकदूश और ख़तरनाक करार। ज़िला जनूबी में सबसे ज़्यादा 450 ख़तरनाक इमारतें मौजूद। मकीनों को इमारतें खाली करने के नोटिस जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 40 इमारतों को खाली करने का हुक्म दे दिया। शहरियों को ख़तरनाक इमारतों के करीब गाड़ियां खड़ी ना करने की हिदायत।
उधर कराची की सड़कों पर बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स ताहाल बरकरार। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कमिश्नर हैदराबाद को नालों के चोकिंग प्वाइंट फौरी क्लियर कराने और बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। फौजी तनसीबात पर हमलों के केस आर्मी एक्ट के मुताबिक चलाने की करारदाद मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई को फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, हमारा निज़ाम कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां इसी कानून के तहत केस चलेगा। जिन लोगों ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ही केस चलेगा। करारदाद में कहा गया 9 मई को एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदें पार कर दी, मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन भी ताखीर ना की जाए। विफाक से हक लेने की बात की जा रही है, विफाक तो खुद बेरोजगार और लाचार है। विफाक अपना खर्च सूद लेकर चला रहा है, किसकी मदद करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में री इमेजिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा मुल्की निज़ाम बदलने तक हालात दुरुस्त नहीं होंगे। जो लैंड क्रूजर पर वोट मांगने आए उससे पूछें ये पैसा कहाँ से आया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क को 1% अशराफिया चला रहा है, 40 बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 1.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। सुबह शाम डिफॉल्ट की बातें होंगी तो सरमायाकार को कैसे मुतमईन करेंगे। इक्तदार में वापस आकर मुल्क को दुनिया की 20वीं मईशत बनाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद है कि रवां माह के आखिर तक IMF के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान माली नज्म व ज़ब्त के बगैर नहीं चलाया जा सकता, हमें मिलकर अब मुल्क को आगे की जानिब लेकर जाना है। मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मुतवाजन बजट पेश किया। PTI हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश कर दिया था, चीन की सरमायाकारी को डबोया, उसका एतमाद तोड़ा। सबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुस खत्म करके उसे सेक्युलर बना दिया गया। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं, ऐसे फितने की बीख कनी के लिए सख्त इकदाम करने चाहिए। स्टेट बैंक का शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक अप्रैल और मई के बुलंद महंगाई के आदाद शुमार तवक्को के मुताबिक थे। मुल्क की गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खातों पर मुसलसल दबाव है, तवक्को है रवा माह से महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। मैंने इनके एडिटर ऑफ द अपोजिशन की बात बड़े तहमुल से सुनी है, दे शुड बिहेव। जी ये क्या बात हुई, यस यू शुड कीप क्वाइट एंड प्लीज 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 नो क्रॉस टॉक। सेनेट में बजट इजलास के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर आसिफ किरमानी ने अपनी तकरीर में कहा 9 मई के गुनाह पर ओपोजिशन मजार कायद पर जाकर माफी मांगे। जिना हाउस GHQ पर हमला किया गया, जुर्म किया है तो उसकी माफी मांगना होगी। ओपोजिशन जैसा कहेगी उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा। इन रिमार्क्स पर PTI अराकीन ने अवाने बाला में शोर शराबा शुरू कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ओपोजिशन अराकीन को खामोश रहने का कहते रहे। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नज़रसानी समात के लिए लार्जर बेंच की इस्तेदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नज़रसानी केस की समात के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नज़रसानी की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सबराही में 3 रुकनी बेंच 13 जून को समात करेगा। इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। पंजाब इंतखाबात अज़खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ये बात काबिले गौर है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5ों जजिस के दस्तखत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर नहीं होगा तो फंड्स नहीं देंगे। कराची के 3.5 करोड़ लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुंतखब अराकीन की राय बदलने के लिए मुलाकातें गैर आइनी हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात का नोटिस ले। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुंतखब चेयरमैन का हाफिज नईमुर रहमान को वोट ना देने का फैसला। पीपल्स पार्टी को PTI चेयरमैन के बायकॉट के बाद वाज अक्सरियत मिलने का इम्कान।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने पार्टी ओहदेदारान के नामों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान होंगे। ट्वीट में जहांगीर तरीन ने कहा, पार्टी के मजीद ओहदेदारान के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। टिकटॉकर हरीम शाह की नाजेबा वीडियो लीक का केस, इस्लामाबाद की अदालत से दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर एफआईए ने मुलजिमा संदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। मुद्दई मुकदमा हरीम शाह भी अदालत में पेश, नाजेबा वीडियोज और तस्वीर अदालत को दिखाई। मुलजिमा संदल खटक ने कहा, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरीम शाह की वीडियोज उसने बनाई ना लीक की। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गई। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर स्टेटस पर लगाने पर हिंदू सीख पा हो गए। मुंबई में तीन मुसलमान नौजवानों पर पर्चा काट दिया। हिंदू इंतहा पसंदों के सामने भारतीय पुलिस बेबसी की तस्वीर बन गई।